नमस्कार, आप देख रहे हैं देसवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भोजपुर पहुंचे, जहां काफी सम्मान के साथ उनका स्वागत किया गया। काफी भीड़ उमड़ी और सभी ने काफी सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर के सवाल उठाया है और साथ ही बढ़ते अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या कारण है, एक के बाद एक गौ हत्याएं हैं, क्या व्यवसायी, क्या अनुसूचित जाति जनजाति, अलग अलग वर्ग जाति से आने वाले लोगों को चुन चुन कर यहाँ मौत के घाट उतारा गया। क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक शब्द बोलना जरूरी नहीं समझते, उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता इन आपराधिक घटनाओं के खिलाफ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मौन रहना अपराधियों को एक समर्थन है? जिला प्रशासन जिस तरीके से उदासीन रवैया यहाँ पे दिखाता, एसपी साहब बोलते हैं भैया हमसे पहले भी हत्याएं होती थी, तुम्हारा गुना मेरे गुने से छोटा। तो सुना आपने, बढ़ते अपराध को लेकर के उन्होंने कहा कि एक जिस तरीके से अपराध की श्रृंखला बन चुकी है, एक के बाद एक कुल 9 हत्याएं हुई हैं और वो भी भोजपुर में। लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी चुप्पी इन अपराधों को बढ़ावा दे रही है, इन अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी आखिर कुछ क्यों नहीं बोल रहे? जिस तरीके से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और खासकर अगर बात भोजपुर की करें तो एक पर एक जो है मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और कुल 9 हत्याओं के मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर के चिराग पासवान जनता को संबोधित कर रहे थे और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना भी साध रहे थे। वहीं बढ़ते अपराध को लेकर के लगातार वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल करते आए हैं, निशाना साधते आए हैं और ऐसे में जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल ये भी बन रहा है कि आखिर कब तक इन आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए देसवा न्यूज़ के साथ। सिर्फ खबर दिखाना देसवा न्यूज का मकसद नहीं, देसवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देसवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।